क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग लैड हिंदी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक प्रोग्राम राइट कर सकते हैं, जहां पे आप लोग यूज़र को दो नंबर एंटर करने के लिए बोलेंगे और बाद में आप उन दो नंबर को ऐड करेंगे और जो भी रिजल्ट आता है उसे डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ कोड लिखा है, मैंने stdio.h हेडर फाइल को इंक्लूड किया है ताकि हम लोग printf और scanf जैसे फंक्शन को हमारे इस प्रोग्राम में यूज़ कर सके। उसके बाद मैंने मेन फंक्शन लिखा है जो हमारे इस प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होगा हमारी नज़रिया से। और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यूज़र को दो नंबर एंटर करने के लिए बोलेंगे, उन्हें दो वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करेंगे और बाद में उन दो वैल्यूज़ को ऐड करके जो रिज़ल्ट आता है उसे डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं इंटीजर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करूँगा और यहाँ पे हमें दो वेरिएबल की ज़रूरत है, तो हम लोग पहले उन दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। मेरा पहला वेरिएबल जो है वो यूज़र जो पहला नंबर एंटर करता है उसे स्टोर करने के लिए, और मैं उसे नाम दूंगा नंबर वन। और दूसरा वेरिएबल यूज़र जो दूसरा नंबर एंटर करता है उसे स्टोर करने के लिए। और इसके बाद हमें एक और वेरिएबल की ज़रूरत है जिसके अंदर हम लोग नंबर वन प्लस नंबर टू करके जो वैल्यू आता है उसे स्टोर करेंगे। तो मैं उस वेरिएबल को नाम दूंगा रिज़ल्ट। ठीक है, अभी हमने तीन वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट हम यूज़र को दो नंबर एंटर करने के लिए बोलेंगे और वो काम करने के लिए मैं यूज़ करूँगा printf फंक्शन को। और यहाँ पे मैं मैसेज लिखूँगा एंटर द नंबर वन। ठीक है, अभी इस मैसेज को देख के यूज़र एक नंबर को एंटर करेगा, उसे हम लोग scanf फंक्शन को यूज़ करके रीड करेंगे और उसे हम लोग स्टोर करेंगे नंबर वन वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अभी हम लोग एक मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं और जो भी नंबर यूज़र एंटर कर रहा है उसे रीड करके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। इसी तरह हमें दूसरे वेरिएबल नंबर टू वेरिएबल जो है उसके लिए भी वैल्यू को रीड करके स्टोर करना है। तो मैं ये जो printf और scanf फंक्शन मैंने लिखा था उसे कॉपी करके फिर से पेस्ट करूँगा। यहाँ पे मैं कहूँगा कि एंटर द नंबर टू और जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करता है उसे रीड करके इस नंबर टू वेरिएबल के अंदर स्टोर करूँगा। ठीक है, अभी हमारे पास दो नंबर्स हैं जिससे यूज़र ने एंटर किया है, हमको अभी इन दो नंबर्स को ऐड करना है और जो रिज़ल्ट आता है उसे इस रिज़ल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। और यहाँ पे हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग नंबर वन वेरिएबल जो है उसके अंदर जो वैल्यू है उसको और नंबर टू वेरिएबल जो है उसके अंदर जो वैल्यू है उसे ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे नंबर वन और नंबर टू जो है ये दोनों ऑपरेंड्स है। ठीक है, तो ये ऑपरेटर क्या करता है, ये दोनों ऑपरेंड्स जो है उनके अंदर जो वैल्यू है उन्हें ऐड करता है और जो रिज़ल्ट आता है उसे रिटर्न करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस रिज़ल्ट को इस रिज़ल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने दो वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उन्हें ऐड करके उसे इस रिज़ल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है और बाद में हम लोग उस रिज़ल्ट को प्रिंट करेंगे। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा printf फंक्शन को और यहाँ पे मैं लिखूँगा %d प्लस %d इक्वल टू %d। यहाँ पे अभी ये तीनों प्लेस होल्डर्स के लिए वैल्यूज़ देना है। पहला प्लेस होल्डर के अंदर नंबर वन वेरिएबल जो है उसका वैल्यू आएगा, दूसरे प्लेस होल्डर के अंदर नंबर टू वेरिएबल जो है उसका वैल्यू आएगा और तीसरे प्लेस होल्डर के अंदर रिज़ल्ट वेरिएबल जो है उसका वैल्यू आएगा। ठीक है, अभी हमने प्रोग्राम लिखा है, अभी इसको बिल्ड एंड रन कर देते हैं। अब ये कहता है कि एंटर द नंबर वन, मैं एंटर करूँगा 66, एंटर द नंबर टू, मैं एंटर करूँगा 88। अब ये डिस्प्ले करता है कि 66 प्लस 88 इक्वल टू 154। यहाँ पे हमने यूज़र से दो नंबर लिया है और उन दो नंबर को ऐड करके जो रिज़ल्ट आता है उसे डिस्प्ले किया है।
यहाँ पे आप लोग इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करके सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी बना सकते हैं। आपको वो मॉडिफिकेशन करना है और आपका जो कोड है उसे कमेंट बॉक्स पे लिखना है। इसके साथ एक और मॉडिफिकेशन करना है आपको, वो है कि यहाँ पे हम लोग दो नंबर ले रहे हैं यूज़र से, आपको तीन नंबर लेना है और उन तीनों नंबर को ऐड करके रिज़ल्ट को डिस्प्ले करना है। तो ये हुआ दोस्तों इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पर मिलूँगा।